Welcome guys in my YouTube channel. आज हम बात करेंगे एक अहम और बेसिक कॉन्सेप्ट की. ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्राइस इफेक्ट टॉपिक है. और प्राइस इफेक्ट में दो कंपोनेंट्स निकलते हैं, इनकम इफेक्ट और सबस्टिट्यूशन इफेक्ट. और हम बात करेंगे आज एंजेलस कर्व की. एंजेलस कर्व, तो उससे पहले मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो से पहले जो भी बाकी मैंने पहले जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, वो सारे अहम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक से और बेसिक इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट से, उन वीडियोस को ज़रूर देखा करें. और इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना. तो चलो अब बात करते हैं प्राइस इफेक्ट की. प्राइस इफेक्ट क्या होता है? प्राइस इफेक्ट जब किसी भी चीज़ की, किसी भी कॉमोडिटी की, किसी भी प्रोडक्ट की जब प्राइस इंक्रीज हो जाती है, जब प्राइस डिक्रीज हो जाती है, तो उस प्राइस इंक्रीज होने से, प्राइस डिक्रीज होने से यानी कीमत बढ़ने से, किसी चीज़ की कीमत घटने से क्या असर पड़ता है उस प्रोडक्ट पर, क्या असर पड़ता है उस एंटिटी पर? उस ड्यू टू द प्राइस वी से दैट इट इज़ अ प्राइस इफेक्ट. हम कहते हैं कि ये प्राइस इफेक्ट होता है. अगर ये लैपटॉप मेरे सामने है, अगर इस लैपटॉप की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो इसकी डिमांड पर क्या असर पड़ेगा? तो अगर इसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी तो हम बोलते हैं कि डिमांड ऑफ द लैपटॉप डिक्रीजेस ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू प्राइस इफेक्ट. ड्यू टू प्राइस, दैट इज व्हाट वी कॉल एज दैट इट इज अ प्राइस इफेक्ट. अब है इसी के दो कॉन्सेप्ट, दो मेन कंपोनेंट, एक दिस इनकम इफेक्ट और दूसरा है सबस्टिट्यूशन इफेक्ट. इनकम इफेक्ट क्या होता है? इनकम इफेक्ट भी सिंपल और बेसिक है, आसान से समझने के लिए बहुत आसान है. वो ये है कि कोई किसी भी कॉमोडिटी की, कोई भी कॉमोडिटी हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसकी डिमांड इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है ड्यू टू इनकम, या मेरी इनकम इंक्रीज हुई या मेरी इनकम डिक्रीज हो जाएगी. मेरी इनकम इंक्रीज या डिक्रीज होने से क्या फ़र्क डिमांड पे पड़ता है, या डिमांड इंक्रीज हो जाएगी किसी चीज़ का या डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, वी से दैट इट इज अ इनकम इफेक्ट. क्या होता है वो इनकम इफेक्ट? यानी हमारी आमदनी से, हमारे पैसे इंक्रीज और डिक्रीज होने से क्या असर डिमांड पे पड़ता है, क्या असर प्रोडक्ट्स पे पड़ता है, क्या असर मार्केट पे पड़ता है, क्या असर इकोनॉमी पे पड़ता है? उस जब हम उस चीज़ को स्टडी करते हैं, जब हम उस चीज़ को स्टडी करते हैं तो हम बोलते हैं यार इट इज अ इनकम इफेक्ट. वी आर हियर बाउंड टू फाइंड द इनकम इफेक्ट ऑफ द पीपल टूवर्ड्स द मार्केट. क्या लोगों के पास पैसे हैं? अगर लोगों के पास पैसे है तभी तो ये मार्केट से जाके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे. अगर इनके पास नहीं है तो ये कैसे खरीदेंगे? अब अगर है पैसे लेकिन फिर भी खरीद नहीं रहे, व्हाट इज द रीजन? अगर ये रीजन है कि वहां से महंगाई का दौर है, महंगे चीज मिलते हैं, तो दैट इज व्हाट इफेक्ट, दैट इज प्राइस इफेक्ट. क्योंकि वो ज़्यादा कीमत, वो ज़्यादा प्राइस होने की वजह से खरीद नहीं पा रहे. इनकम है लेकिन कम है, प्राइस इंक्रीज होने से अब ये नहीं लेते हैं, डिमांड कम हो जाती है उन प्रोडक्ट्स की, तो हम उस टाइम बोलते हैं कि इट इज़ अ प्राइस इफेक्ट. इनकम इफेक्ट किस चीज़ को कहते हैं? जो ही हमारी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो हम मोस्टली हम क्या करते हैं, हम डिमांड करते हैं किन चीज़ किसका जब और हम डिमांड करते हैं उन प्रोडक्ट्स की. जब हम किसी भी चीज़ के प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज करते हैं ड्यू टू द इंक्रीमेंट ऑफ आवर इनकम, हम कहते हैं कि इनकम इफेक्ट है. और अगर हमारी इनकम डिक्रीज हो जाएगी, जो ही हमारी इनकम डिक्रीज हुई है और हमारी इनकम डिक्रीज होने से
हम प्रोडक्ट्स की भी डिक्रीज डिमांड डिक्रीज हो जाती है, या डिमांड जो भी चीज़ मार्केट में है, तो जब डिमांड डिक्रीज हो जाएगी उन प्रोडक्ट्स की ड्यू टू द लैक ऑफ इनकम, हम बोलते हैं वहाँ पर भी ये क्या है, इनकम इफेक्ट है। इनकम इफेक्ट ये सिंपल ये है कि जो हम देखते हैं कि इफेक्टिवनेस क्या है, हम देखते हैं इफेक्टिवनेस क्या है, हम देखते हैं रेस्पॉन्सिवनेस क्या है, हम देखते हैं रेस्पॉन्सिवनेस क्या है ऑफ इनकम टूवर्ड्स द डिमांड ऑफ द कमोडिटी और डिमांड ऑफ द मार्केट, यह है इनकम इफेक्ट। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल गुड्स में इनकम इफेक्ट क्या होता है। नॉर्मल गुड्स में इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, क्योंकि अगर मेरे पास इस वक्त 100 रुपया है, मैं 10 चीज़ खरीदता हूँ, अगर मेरे पास अब 1000 रुपया आ जाएगा, तो आप मुझे बताइए क्या मैं डिमांड अब कम करूँ, कॉन्स्टेंट रखूँ या ज़्यादा करूँ? ऑब्वियसली मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड अब करूँगा, क्योंकि मेरे पास पहले 100 ही रुपया था, अब मेरे पास 1000 रुपया है, अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करूँगा। क्यों, कौन सा चीज़ डिमांड ज़्यादा करूँगा? अगर मैं इससे पहले जो भी चीज़ खाता था, अब मिसाल के तौर पर अगर मैं ओनियन का आधा ही केजी लाता था सब्जी बनाने के लिए, नहीं, अब मैं 1 केजी लाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे है, नॉर्मल गुड है, नॉर्मल गुड्स को जो ही पैसे इनकम इंक्रीज हो जाती है, तो डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स ऑल्सो इंक्रीज, देयर इज अ पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट इन द नॉर्मल गुड्स। लग्जरी गुड्स में क्या होता है? लग्जरी गुड्स में भी जो इनकम इफेक्ट है वो पॉजिटिव होता है। यानी अगर मेरे पास 10,000, 1 लाख रुपया होता था, आज मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, आज मेरे पास 10 करोड़ रुपया है, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे है। जब मेरे पास ज़्यादा पैसे है, तो मैं उन पैसों को क्या करूँगा? ऑब्वियसली मैं अब सोचूंगा कि मैं अब कोई कार लाऊंगा, मैं कोई गाड़ी लाऊंगा, ऐसे ऐसे चीज़, यानी लग्जरी गुड्स लाऊंगा। तो लग्जरी गुड्स में भी जो इनकम इफेक्ट है वो भी पॉजिटिव है। तो उसके बाद जो इनकम इफेक्ट है वो नेगेटिव भी होता है, इनकम इफेक्ट नेगेटिव भी होता है। कहाँ पे होता है? वो इन्फीरियर गुड्स में नेगेटिव होता है। इन्फीरियर गुड्स, अब हम किस चीज़ को कहते हैं इन्फीरियर गुड्स? इनकम इफेक्ट फॉर अ गुड इज सेड टू बी अ नेगेटिव व्हेन द इंक्रीज इन हिज इनकम द कंज्यूमर रिड्यूसेस हिज कंजप्शन ऑफ द गुड, सच गुड्स फॉर विच कन इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव और कॉल्ड एज इन्फीरियर गुड्स। यानी इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है इन्फीरियर गुड्स में। इन्फीरियर गुड्स का क्या होती है? मिसाल के तौर पर यह एग्जाम्पल है, अगर मैं साग खरीदता था, साग खाता था, ये 10 रुपये में मुझे केजी मिलता था, मैं हर रोज यही खाता था। क्यों मैं हर रोज यही क्यों खाता था? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। अब मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे आ गए, बहुत ज़्यादा, कि मेरे पास पहले 10 ही रुपया होता था, मैं अब 10 रुपये को साग ही लेता था, मैं मजबूर था। तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, आज मेरे पास 100 रुपया है, आज मेरे पास 500 रुपया है। जब मेरे पास 500 रुपया है, मेरे इनकम इंक्रीज होने से इस प्रोडक्ट को क्या होना चाहिए? जैसे नॉर्मल गुड्स में मैंने एग्जांपल दी, मेरी इनकम इंक्रीज हुई, तो जो भी नॉर्मल गुड्स था उनकी भी डिमांड इंक्रीज हुई। लेकिन यहाँ पे मसला कुछ और ही है, यहाँ पे मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है, मेरे पास पैसे भी ज़्यादा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं ये साग जो है मैं खरीद नहीं रहा हूँ। इसकी जो डिमांड होती है वो कांस्टेंट भी नहीं रहती है, बल्कि वो डिक्रीज हो जाती है। मैं बोलता हूँ नहीं यार, चलो मैं क्यों साग खाऊँ, आज मेरे पास पैसे, मैं नहीं खाऊंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं तंग आ चुका हूँ ये खाते खाते, नहीं खाता। फिर क्या करता हूँ? फिर तो मैं डिमांड इंक्रीज करता हूँ अदर प्रोडक्ट्स की। सो देयर इज इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव विद रिलेट्स टू दिस वेरी सेम प्रोडक्ट विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट दैट। जो भी कोई चीज़, ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दी, बहुत सारे चीज़ ऐसे होंगे जिनकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू द इंक्रीमेंट ऑफ इनकम, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। वी सेड दैट देयर इज अ नेगेटिव इनकम इफेक्ट, दैट इज इनफीरियर गुड। सो उसके बाद सबस्टिट्यूशन इफेक्ट। सबस्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है?
ये भी बहुत ये इजी एंड सिंपल टॉपिक है, समर ट्यूशन इफेक्ट, यानी एक चीज की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, बल्कि क्या होता है दूसरे चीज पर असर पड़ता है। अगर यहाँ पे इस पेन की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, अगर इस पेन की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी, इस पर कोई असर नहीं पड़ता है प्राइस का, लेकिन असर किस चीज पर पड़ता है, वो दूसरे पेन पर पड़ता है। मतलब समझो कि ये 50 रुपये का पेन था, 50 रुपये में पेन आता है, ये पेन 50 रुपये में आता है, अगर इसकी प्राइस अब इंक्रीज हो जाएगी 100 रुपया, तो मैं क्या करूँगा, मैं जो यहाँ पे और रिलेटेड इसका पेन होगा जो 50 रुपये या 60 रुपये में ये आता होगा, मैं वही खरीदूंगा। क्यों, या 50 रुपये में या 60 रुपये में, क्योंकि मुझे फिर भी 60 रुपये 40 रुपये बच जाएंगे अगर 60 रुपये में भी इसका रिलेटेड ऑब्जेक्ट आएगा, रिलेटेड पेन आएगा। ये सब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, यानी अगर किसी चीज़ का इंक्रीज प्राइस या डिक्रीज हो जाएगी, उससे उसको कोई लेन देन नहीं होता, वो दूसरे चीज़ पर, दूसरे प्रोडक्ट पर, दूसरे एंटिटी पर, दूसरे ऑब्जेक्ट पर असर करता है, असर इन्फ्लुएंस करता है, तो हम उस टाइम बोलते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहा जाता है। तो उसके बाद है एंजेलिस करो। एंजेलिस करो शोज अस अ क्वांटिटीज ऑफ अ गुड विच द कंज्यूमर विल परचेज एट वेरियस इनकम लेवल्स। सिंपल में हम एंजेलिस करो क्या कहते हैं कि देयर इज अ इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड इनकम। It's a relationship between demand of a product, demand of the commodities and income. ये relationship है, quantities of demand and income की, उसको एंजेलिस करो कहते हैं। क्या होता है एंजेलिस करो, यानी अगर इनकम इंसान की बढ़ जाएगी उसे quantities of demand की भी increase हो जाती है। ये relation दिखाता है एंजेलिस। अब करो के जरिए से क्या दिखाता है एंजेलिस करो में जो necessities goods होते हैं वो अपवर्ड स्लोप होते हैं। लेकिन कैसे अपवर्ड स्लोप होते हैं लेकिन कनकेव करो की तरह। तो फिर क्या होता है, फिर ये जो एंजेलिस करो लक्जरीज गुड्स में भी है, ये भी अपवर्ड स्लोप होते हैं, लेकिन ये जिस जैसे हम टोटल प्रोडक्ट करो दिखाते हैं वैसे। इसके लिए बोर्ड यहाँ पे जरूरी होना चाहिए, वो नहीं है, तो सॉरी फॉर दैट, टू शो यू दैट। सो ये था आज ये नॉर्मल जो एंजेलिस करो है, इसमें ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना कि एंजेलिस करो है ये रिलेशनशिप दिखा रहा है डिमांड एंड इनकम की। तो गाइज आज हमने ये पढ़ा प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट, ये आपने समझा होगा, और एंजेलिस करो का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। सो ये था आज का टॉपिक। तो कल मैं दूसरा टॉपिक लाऊँगा। अगर इसमें कोई भी खामी, कोई भी या प्रॉब्लम आपको फेस कर रहे हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या कोई भी क्वेश्चन आपके पास होगा वो आप लिख सकते हो। तो लेकिन ज़रूर याद रखिए इस सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन।